आज हम लोग बेडशीट की केयर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से अगर किसी पेशेंट को बेडशीट है तो हम किस तरह से केयर करें। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि बेडशीट क्या होता है या प्रेशर शोर क्या होते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी पेशेंट को अगर लॉन्ग टाइम किसी भी पोजीशन में रखते हैं या कोई भी कोई सर्जरी हुआ है या किसी को लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट के लिए बोला गया तो उस टाइम पर क्या होता है, कहीं ना कहीं उसकी कोई भी लेयर क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है या कहीं ना कहीं वहाँ पर अल्सरेशन फॉर्म हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेशर शोर या बेड शोर बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसकी लेयर क्या हो इंजर्ड हो जाएगी एक प्रेशर की वजह से, वहाँ पर क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं क्या होगा कुछ रेडनेस या कुछ ना हमें स्किन डैमेज देखने को मिलेगी, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं बेड शोर या प्रेशर शोर। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि ए बेड शोर और प्रेशर शोर एंड एग्रीवेटेड अल्सर इज द अल्सर अकरिंग ऑफ द स्किन इज द एनी डेरिवेटेड पेशेंट पर्टिकुलर ओवर द बॉनी प्रोमिनेंस और वेयर टू द स्किन सर्फेस टू स्किन सर्फेस प्रेस अगेंस्ट ईच अदर। मतलब कहीं ना कहीं कोई पेशेंट लंबे समय तक एक ही पोजिशन में लेटाया गया है या उसको एक प्रोलॉन्ग क्या लॉन्ग टाइम के लिए रेस्ट के लिए बोला गया तो उस समय क्या होता है कि उसकी जो भी स्किन है स्किन की टू लेयर्स क्या होती है एक दूसरे के साथ प्रेशराइज होती हैं और वो क्या हो जाती है इंजर्ड हो जाती है, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं प्रेशर शोर या बेड शोर या डेग्रेडेटिव अल्सर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कि कौन कौन से कॉमन साइट्स या कॉमन प्रेशर पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमें ये प्रेशर पॉइंट या क्या कहते हैं अल्सरेशन देखने को मिल रही है या कहीं ना कहीं बेड शोर देखने को मिल सकते हैं या प्रेशर शोर देखने को मिल सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो कॉमनली कितना 22 प्लेस होती हैं या 22 प्रेशर पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है तो फर्स्ट देखें कहीं ना कहीं ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल बोन के पास होता है जो ऑक्सीपिटल हो सकता है। देन आपका क्या है स्कैपुला, स्केपला में होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपका स्पाइनस प्रोसेस जो वर्टिब्रा कॉलम का होता है एरिया उसमें स्पाइनल प्रोसेस वहाँ पर भी होने के मतलब बैक साइड में। देन कहीं ना कहीं एल्बो जॉइंट के पास। देन आपका क्या होता है इलियक क्रस्ट जो भी आपके इलियक होता है इलियक क्रस्ट में भी होने की वजह से कहीं ना कहीं किसी पेशेंट को हम लेटरल साइड से लॉन्ग टाइम पोजिशन देते हैं उस समय क्या हो सकता है इलियक क्रस्ट में होने की वजह से चांसेस। नेक्स्ट आपका सैक्रम, तो कहीं ना कहीं यहाँ बैक में सैक्रम एरिया में। देन आपका कहीं इस्चियल, कहीं ना कहीं इस्चियम एरिया में जो कहीं ना कहीं क्या होता है आपका जो भी पेल्विक का पार्ट होता है इस्चियम उसमें देखने को मिल सकता है। एलिस टेंडर्स, तो एलिस टेंडर्स क्या होता है आपका टीबिया फिबुला के बैक में, टीबिया फिबुला के अगर बैक साइड में देखा तो वो क्या रहता है आपका एकिल्स टेंडर्स। नेक्स्ट आपका हील में, तो हील में भी हमें ये अल्सरेशन देखने को मिल सकते हैं। देन आपका कहीं ना कहीं क्या शोल में भी कहीं ना कहीं जो भी पैर का नीचे का एरिया है उसमें भी शोल में भी हमें देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम पोजीशन देने पर। देन कहीं ना कहीं क्या आपका ईयर, अगर कहीं ना कहीं किसी पेशेंट को लेटरल साइड पोजीशन दे रहे हैं उस कंडीशन में ईयर कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो रहा है तो ईयर के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है ईयर सर्विस भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका शोल्डर, तो कहीं ना कहीं शोल्डर पर भी हमें देखने को मिल सकता है शोल्डर पॉइंट। नेक्स्ट आपका एंटीरियर इलियक स्पाइन, तो जो एंटीरियर इलियक स्पाइन। देन आपका क्या है आपका ट्रोकेंटर में भी देखने को मिल सकता है। देन आपका है थाई, ट्रोकेंटर कहीं ना कहीं फीमोरल के साइड में फीमोरल बोन है उसके में लेटरल और सुपीरियर पोर्शन में हम देखने को मिलेगा। देन आपका क्या रहता है आपका थाई में भी क्या होता है एक प्रेशर पॉइंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपका मीडियल नी, तो नी का कहा ना मीडियल साइड में, नी के किधर मीडियल साइड में, नी के एंड लेटरल साइड में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है लोअर लेग पैर के नीचे वाले एरिया में लोअर लेग में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका मीडियल मेलियस, तो मीडियल मेलियस एंड लेटरल मेलियस दोनों साइड में कहीं ना कहीं जो भी मीडियल साइड एंड लेटरल साइड दोनों से एरिया में देखने को मिलता है ट्यूबिया फिबुला के जो लोअर पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं मेलियस बोलते हैं। तो लेटरल साइड एंड मीडियल दोनों किसी भी साइड में है तो अगर लेटरल साइड में उसको बोलेंगे लेटरल मेलियस, अगर लेटरल और मीडियल साइड में तो उसको बोले मीडियल मेलियस। नेक्स्ट हम देखते हैं कहीं ना लेटरल एज ऑफ द फुट, तो फुट का जो भी नीचे का एरिया है उसमें देखने को लेटरल साइड में हमें देखने को मिल सकता है फुट का जो भी लेटरल एरिया है उसमें भी कहीं ना कहीं अल्सरेशन वॉर्म होने देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका पोस्टीरियर नी, मतलब कहीं ना कहीं नी के पोस्टीरियर बैक साइड में कहीं ना कहीं पोस्टीरियर नी, तो ये कुछ प्रेशर पॉइंट है वहाँ पे कहीं ना कहीं अल्सरेशन फॉर्म होते हैं बेड शोर फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं। तो ये टोटल 22 कॉमन प्रेशर पॉइंट होते हैं यहाँ पे क्या है हमें ये बेड शोर या प्रेशर शोर हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पर्पस कि क्या पर्पस है केयर देने की, अगर कोई पेशेंट बेड शोर से सफ़र कर रहा तो हमें क्या पर्पस है केयर देने की। तो फर्स्ट है टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, तो हम क्या कर सकते हैं सर्कुलेशन को क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं अगर प्रॉपरली बेड शोर होने से अगर बेड शोर की अच्छे से केयर की जाए तो जो भी सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फैसिलिटेड हीलिंग, तो उसको ईजिली हील कर सकते हैं कहीं ना कहीं हीलिंग करने में हेल्प कर सकते हैं। देन क्या है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, अगर प्रॉपरली उसको अगर केयर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन आपका है टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, साथ ही साथ अगर प्रॉपरली उसकी केयर की जाएगी तो फर्दर डैमेज से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम
होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है टू ट्रीट बैड श्योर, अगर हम प्रॉपरली केयर देंगे तो हम ट्रीट कर सकते हैं किसको, बैड श्योर्स को। तो ये कुछ पर्पस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं ये केयर देते हैं, मतलब केयर देने के पीछे ये कुछ पर्पस हैं कि कहीं ना कहीं सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए एंड बैड श्योर को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, केयर ऑफ बैड श्योर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेज, कि क्या कॉजेज हो सकते हैं बैड श्योर होने के या प्रेशर श्योर होने के। तो कॉजेज क्या होंगे, डायरेक्ट कॉज, तो डायरेक्टली मतलब कहीं ना कहीं किसी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है, कोई ना कोई कट लग जाए उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉज। नेक्स्ट आपका फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब कहीं ना कहीं किसी एरिया का टकराने से या फ्रिक्शन होने से, मतलब घर्षण, मतलब कहीं ना कहीं दो एरिया एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आती है उस कंडीशन में हो सकता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट आपका मॉइस्चर, अगर बहुत ज़्यादा नमी है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है उस एरिया में, तो कहीं ना कहीं वहाँ की सेल्स क्या हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं या स्किन इंजर्ड हो सकती है। नेक्स्ट आपका प्रेशर, तो कहीं ना कहीं एक ही पोजीशन में कंटिन्यू जाएगा, लाइक लॉन्ग टाइम तक किसी भी पेशेंट को एक ही पोजीशन में रखेंगे तो कहीं ना कहीं और प्रेशर पड़ेगा और वहाँ की क्या हो सकती है, लेयर डैमेज हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेज हैं, या डायरेक्टली हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, एंड मॉइस्चर की वजह से एंड प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, कॉज हो सकते हैं बैड श्योर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज एंड डिग्री, तो ये इसकी कितनी स्टेज होती है या कितने डिग्री होता है, तो इसकी कितनी, थ्री स्टेज और थ्री डिग्री होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड एंड थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमें क्या हुआ, थोड़ा उसके जो भी एरिया देखे वो रेड देखने को, रेडनेस देखने को मिलेगी, साथ ही साथ हमें पेन देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट आपका सेकेंड डिग्री पेशेंट के अंदर क्या हुआ, साइनोसिस या ब्लू कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का कलर कैसा देखेगा, ब्लू कलर का देखेगा, और जो भी ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा या ब्लड सर्कुलेशन कट हो सकता है, मतलब प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं होगी जिसकी वजह से क्या होगा, उनको प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगर थर्ड डिग्री में क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, पस वगैरह का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो सकता है। तो बाकी थर्ड डिग्री में क्या होगा कि ये थर्ड स्टेज में क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा कि जो भी पस वगैरह का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर थ्री डिग्री में डिवाइड किया, तो फर्स्ट डिग्री में रेडनेस देखने को मिलेगा, सेकंड डिग्री में आपको ब्लूइश कलरेशन देखने को मिलेगा, थर्ड डिग्री में क्या होगा कहीं ना कहीं पस वगैरह फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या है उसकी थ्री डिग्रीज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर, तो कहीं ना कहीं हम अगर केयर दे रहे हैं तो हमें किस तरह से केयर प्रोवाइड करना है, तो हमें क्या करना है, अगर कोई पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम एक ही पोजीशन में है या उसको प्रेशर सोर या कहीं ना कहीं क्या बेड सोर हो गए, तो उसमें हमें किस तरह से उसको केयर प्रोवाइड करेंगे, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूस एवरी टू आवर में उसकी पोजीशन क्या करना है, चेंज करना है। देन क्या करना है, अगर प्रॉपरली उसको ट्रीट करना है, अब मसाज करना है जिससे कि हम कहीं ना कहीं अगर प्रॉपरली सर्कुलेशन हो, अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया या बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो उसको कहीं ना कहीं क्या करना है, प्रॉपर ड्रेसिंग करना है जिससे कि हम उसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। ऑयल वगैरह अवेलेबल है तो ऑयल अप्लाई करना है, पाउडर वगैरह अवेलेबल है तो पाउडर अप्लाई करना है। देन इस तरह से हमें कुछ लोशन वगैरह से प्रॉपरली उसकी मसाज करना है जिससे कि अल्सरेशन फॉर्म ना हो, और कहीं ना कहीं कोई पेशेंट लॉन्ग टाइम है तो उसको रेगुलर एग्जामिनेशन करते रहना है कि कहीं उसको अल्सरेशन फॉर्म तो नहीं हो गया है, और प्रॉपरली उसको अच्छे से असेस करते रहना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर शोर को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्प्रेड हो रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस समय उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, कुछ भी एंटीबायोटिक वगैरह और कुछ भी लोशन वगैरह स्टार्ट करना जिससे कि हम प्रेशर शोर को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेड शोर को ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। देन आज हम लोगों ने प्रेशर शोर के बारे में डिस्कशन किया। अगर इसके फर्दर नोट्स के लिए आप ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस को ज्वाइन करें